Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel Saraswati Classes by Nidhi Bhatnagar. So, आज जो chapter हम शुरू करने वाले हैं, which is a very important chapter, the Delhi Sultans, ये chapter 3 है, NCERT की किताब से लिया गया है 7th class की एक chapter, ना केवल 7th class के बच्चों के लिए important है, बल्कि जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है. और या ही कहा जा सकता है आज जो बच्चे क्लास सेवन्थ में, उन्हें ये चैप्टर भविष्य में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो मुगल काल वाला चैप्टर आगे आएगा, वो दोनों ही चैप्टर जो हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं आते हैं. तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं. इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट रीजन्स लाइक कावेरी डेल्टा बिकम द सेंटर ऑफ द लार्ज किंगडम्स. हमने चैप्टर 2 में देखा कि रीजन्स यानी कि जो क्षेत्र थे, द कावेरी डेल्टा क्षेत्र, जैसे कि कावेरी डेल्टा बिकम द सेंटर ऑफ द लार्ज किंगडम्स, केंद्र बन गए थे बड़े बड़े राज्यों के. डिड यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस किया था, दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ अ किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल, कि भाई कोई जिक्र ही नहीं है दिल्ली का कि वो कहीं की राजधानी हो उस समय. दैट वॉज इसकी वजह ये थी, बिकॉज दिल्ली बिकम एन इंपॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th century. तो दिल्ली जो इंपॉर्टेंट सिटी बनी थी, वो बनी थी जाके 12वीं शताब्दी में, उससे पहले दिल्ली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी. टेक अ लुक एट टेबल 1. अब आपको देखना है तालिका 1 के अंदर. दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम, दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी अंडर द तोमर राजपूत, तोमर राजपूतों के अंडर में. हु वर डिफीटेड, जो हार गए थे इन द मिडल ऑफ द 12th century में, लगभग मध्य में, मिडल मतलब बीच में, 12वीं शताब्दी के मध्य में ये हार गए थे. किसके द्वारा? बाय द चौहान्स. तो चौहानों के द्वारा हारे थे ये. ऑल्सो रेफर्ड एज चाहमनास. तो चौहानों को क्या कहते थे? चाहमनास भी बोलते थे. और ये कहाँ के थे चौहान्स? ऑफ अजमेर, ये अजमेर के थे. ठीक है. अब इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकम इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर. अब क्या हुआ कि दिल्ली जो था तोमरों के और चौहानों के जब अंडर में रही, तो उस समय में, उस काल की बात कर रहे हैं, तब दिल्ली जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल सेंटर बन गई, यानी कि बिजनेस वगैरह वहाँ पे काफ़ी होने लगा होगा. मैनी रिच जैन मर्चेंट्स, जो जैन मर्चेंट्स होते थे, लिव्ड इन द सिटी, वो रहा करते थे शहरों में. एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स, और उन्होंने काफ़ी सारे जो थे मंदिर भी बनवाए थे. ठीक है. कॉइन्स मिंटेड हियर कॉल्ड दहलीवाल हैड अ वाइड सर्कुलेशन. और जो सिक्के होते थे यहाँ पर, जिनका, जिन सिक्कों को कहा जाता था समय दहलीवाल, ठीक है, वो सिक्के भी यहीं ढाले जाते थे, मिंट किए जाते थे. और ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में था, काफ़ी ज़्यादा हैड अ वाइड सर्कुलेशन, मतलब ये वाले सिक्के जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलन था इनका. ठीक है. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इंटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगनिंग ऑफ द 13th century. अब क्या हुआ कि 13वीं शताब्दी के लगभग जब स्टार्टिंग हुई थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना उस समय हुई थी, और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई थी जिसका नियंत्रण कह सकते हैं, जिसका कंट्रोल हम बोल सकते हैं, वो किसके हाथ पे चला गया था? उपमहाद्वीप के बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों तक फैल गया था. ठीक है. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली क्या हो गई थी? ट्रांसफॉर्म हो गई थी इनटू अ कैपिटल, राजधानी में बदल गई थी. दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरिया, और उसने काफ़ी ज़्यादा वास्ट एरिया पे, किसके वास्ट एरिया पे? सब कॉन्टिनेंट के वास्ट एरिया पे क्या करना था? शुरू कर दिया था दिल्ली वालों ने, एक तरीके से दिल्ली के जो शासक वगैरह होंगे उन्होंने क्या कंट्रोल करना शुरू कर दिया था. स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगनिंग ऑफ 13th century. ठीक है. तो ये कब हुआ था? 13वीं शताब्दी के लगभग आरंभ में. फिर से बात समझ लो कि 13वीं शताब्दी के जब स्टार्टिंग हुई थी, तो दिल्ली सल्तनत की तब स्थापना हुई थी. इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई थी जिसका नियंत्रण पूरे सब कॉन्टिनेंट पे, बहुत ज़्यादा क्षेत्रों तक पूरा फैल गया था. ठीक है. टेक अ लुक एट टेबल 1. आपको टेबल 1 को देखना है अगेन, दोबारा से आइडेंटिफाई करना है 5 डायनेस्टीज़ को. ठीक है. 5 डायनेस्टीज़ क्या होते हैं? वंश. ठीक है. दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत, जिन्होंने मिलकर, 5 वंश आए थे जिन्होंने मिलकर ये दिल्ली सल्तनत बनाई थी. द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ड मैनी सिटीज़ इन एरिया. दिल्ली के सुल्तानों ने बहुत सारी जो सिटीज़ हैं इस एरिया में बसाई थी, तरीके से काफ़ी नगर जो थे इन लोगों ने, दिल्ली के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, उन काफ़ी, उन सुल्तानों ने बहुत सारे नगर एक्चुअली बसा दिए थे. लुक एट मैप 1. अब आपको मैप 1 में देखना है एंड लोकेट करना है किसको? दिल्ली कोहाना को, सीरी को, जहांपना को, ये सब इन्होंने ही बसाए थे. ठीक है. आप आ जाओ द रूलर्स ऑफ दिल्ली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो आपको कहते हैं ना तालिका, बोल सकते हो आप इसको टेबल जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि तोमर्स कब आए थे? अर्ली 12th century में आए थे. कब इनका टाइम रहा था? 1165. उसके बाद कौन आए थे? अनंगपाल. तो 1130 से 1145 इनका टाइम रहा. फिर चौहान्स आए, इनका टाइम भी रहा 1165 से लेकर 1192 तक रहा. पृथ्वीराज चौहान आए 1175-1192 तक इनका टाइम रहा. फिर अर्ली तुर्किश रूलर्स आए थे, जिन्हें प्रारंभिक तुर्की शासक भी कहा जाता है,
सो 1206 से 1290 तक ये रहे थे। फिर उसके बाद आया कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर भी। इनका टाइम आप देख लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद मैं नाम पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। फिर आया था शमशुद्दीन इल्तुतमिश, फिर उसके बाद आई रज़िया, फिर उसके बाद आया गयासुद्दीन बलबन। फिर आगे कहानी शुरू होती है यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का शासक था। उसके बाद आया अलाउद्दीन खिलजी, फिर गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिर उसके बाद आया, ध्यान दीजिएगा, खिज्र खान। नाम आपको ध्यान से सुनने हैं, खिज्र खान एंड देन बहलोल लोधी। तो ये जो पूरा है ना कहानी, ये तो मतलब अच्छे तरीके से आप इसको डेट वाइज याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, अब दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिली, ठीक है, चलो देखते हैं। ऑल दो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड करते हैं लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। भाई हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है इंस्क्रिप्शंस को अगर हम देख लें, पढ़ लें, या फिर हम कॉइन्स देख लें उस समय के सिक्के जो होते थे। आर्किटेक्चर मतलब कि कैसी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, क्या ना भवन घर कैसे बने हुए हैं, उन सबको अगर हम देखते हैं तो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। स्पेशली वैल्यूएबल आर, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है वो क्या है, हिस्ट्रीज़ जो उस समय लिखी गई होंगी, इतिहास जो उस समय लिखा गया होगा, तारीख, मतलब सिंगुलर वर्ड को तारीख बोलते हैं, त्वारीख क्या है इसका प्लूरल वर्ड है, रिटन इन पर्शियन, पर्शियन ये पर्शियन भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सुल्तान, तो लैंग्वेज जो थी वो पर्शियन थी। ध्यान रखने वाली बात है, दिल्ली सुल्तान जब आए थे, ये कह सकते हैं कि दिल्ली सुल्तानों का जो शासनकाल चल रहा था उस समय जो राजकाज की भाषा थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा थी, वो कौन सी थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट वॉज पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है, फारसी भाषा, पर्शियन मतलब फारसी, फारसी भाषा में सब कुछ लिखा गया था उस समय सुल्तानों के शासनकाल में। अब यहाँ आ जाओ, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये फोर स्टेजेस की बात कर लेते हैं। फोर स्टेजेस यहाँ पर देखो, ये वाला पार्ट, ठीक है, फोर स्टेजेस इन प्रिपरेशन ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, तो पांडुलिपि जो होती थी, मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती थी, उसको तैयार करने के चार स्टेजेस होते थे, चार चरण होते थे। मतलब सबसे पहले क्या किया जाता था, प्रिपेयरिंग द पेपर, सबसे पहले तो भाई कागज़ तैयार करते थे कुछ लिखने के लिए, फिर राइटिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को लिखते थे, क्या करते थे टेक्स्ट लिखने के लिए, मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस, टेक्स्ट लिखने के बाद गोल्ड को पिघलाया जाता था, ध्यान से समझना, क्वेश्चन आता है ये वाला, गोल्ड को पिघलाया जाता था, उससे हाईलाइट किया जाता था जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड हो या कोई इंपॉर्टेंट पैसेज हो, प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, और उसके बाद क्या होता था, जिल्द लगती है ना, बाइंड कर लेते हैं किताब को, बांध गत्ता वगैरह लगा के एक तरीके से उसको पूरा, जैसे पेपर 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 ना होके वो पूरी बाइंड करके एक बुक बन जाती है, इस तरह से उसे बाइंड किया जाता था। ये चारों स्टेजेस मोस्टली पूछी जाती हैं जब ये चैप्टर आ रहा होता है। द ऑथर्स ऑफ त्वारीख वर लर्नड मैन, तो जो त्वारीख लिखते थे एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा विद्वान होते थे, लर्नड होते थे, एक तरीके से उनको ज्ञान बहुत होता था, या फिर सेक्रेटरीज लिखा करते थे, या एडमिनिस्ट्रेटर्स लिखा करते थे, पोइट्स भी लिखते थे, या फिर कोर्टियर्स यानी कि दरबार में रहने वाले लोग, दरबारी जो होते थे वो भी लिखते थे। वो बहुत रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइस करते थे रूलर्स को ऑन द गवर्नर्स। अब वो क्या करते थे एक्चुअली, यहाँ बात ये चल रही है कि ये लोग क्या करते थे उस समय, राजा को जो थे सलाह भी दिया करते थे, ठीक है। अब जो त्वारीख लिखते थे, हाँ यहाँ तो गए थे हम, यहाँ पर ही थे, जो घटनाओं का भी वर्णन क्या करते थे, जो वो ये जो सारे व्यक्ति होते थे, रिकाउंट इवेंट का मतलब होता है घटनाओं का वर्णन क्या करते थे, एंड एडवाइस दिया करते थे राजा को, एडवाइस दिया करते थे भाई गवर्नेंस कैसे करना है आपको, कैसे शासन चलाना चाहिए, और इम्फोसाइज करते थे मतलब कि बहुत ज़्यादा जोर डालते थे किस बात पर, इंपॉर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, कि भाई जो भी आप रूल कर रहे हो वो जस्ट होना चाहिए, मतलब कि न्याय संगत होना चाहिए, आप कुछ भी किसी के साथ अन्याय ना करें, ठीक है। तो इस बात पे बहुत इम्फसाइज यानी कि जोर देते थे। अब ये भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ जाता है, द सर्कल ऑफ जस्टिस, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। अब क्या बात चल रही है यहाँ पर, एक 13th century में आए थे इतिहासकार, जिसको बोलते हैं ना जो हिस्ट्री वगैरह लिखते हैं, तो उनका नाम क्या था, फक ए मुद्दबिर, नाम याद रखना, फक ए मुद्दबिर, ठीक है, चाहो तो हिंदी में कहीं लिख लो, फकीह मुद्दबर ने लिखा था, ये हिस्टोरिकन्स थे मतलब एक इतिहासकार थे, और कब लिखा था, इन द 13th century, ध्यान रखना, सर्कल ऑफ जो जस्टिस है वो कब लिखा गया था और किसने लिखा था, 13th century में लिखा गया था, और किसके द्वारा लिखा गया था, फकीह मुद्दबर के द्वारा ये लिखा गया था। अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर, एक राजा बिल्कुल सैनिकों के बिना कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता, मतलब वो चल ही नहीं सकता। एंड सोल्जर्स के नॉट लिव विदाउट सैलरीज, अब सैनिक जो हैं वो बिना सैलरी, बिना तनख्वाह के नहीं रह सकते, उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो मतलब वो कैसे रहेंगे, तो सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। अब सैलरीज कहाँ से आती थी, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था किसानों से, जो टैक्स लिया जाता होगा, एक तरीके से राजस्व लिया जाता होगा जिसे बोल सकते हैं। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी,
अब मान लो अगर उनके पास ही नहीं होगा तो वो देंगे कैसे, तो उनका प्रॉस्परस होना, उनके पास पैसे होना, उनका समृद्ध होना ये भी तो ज़रूरी है। तो वो कभी देंगे, जब वो समृद्ध होंगे, जब उनको इस लायक होंगे कि वो दे सकें और हैप्पी होंगे तभी तो वो राजा को देंगे, वरना मना कर देंगे, देंगे ही नहीं। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट करता है जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस को। अब ये कब होगा, जबकि राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देगा। अगर राजा जस्टिस नहीं करेगा तो लोग हैप्पी नहीं होंगे, हैप्पी नहीं होंगे तो रिवेन्यू नहीं देंगे, वो रिवेन्यू राजा के पास नहीं पहुंचेगा तो वो अपने सैनिकों को सैलरी कैसे देगा, सैनिकों को सैलरी नहीं मिलेगी तो राजा कैसे रहेगा, कोई भी उसको मार देगा। तो समझ रहे हो, उल्टा भी करके देख लिया तो ये पूरा सर्कल ऑफ जस्टिस ही है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि डू यू थिंक दैट द सर्कल ऑफ जस्टिस इज़ एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स। क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र जो पूरा का पूरा ये आपको बताया गया है राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है, आपको लग रहा है अप्रोप्रिएट है ये वर्ड? आप जो कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड, जब हमें जो भी मतलब जो भी बातें हैं अगर हम इन बातों को ध्यान रखें, द ऑथर्स ऑफ त्वारिक लिव्ड इन द सिटीज, मेनली दिल्ली में रहते थे। तो हमें ये पता चल गया कि जो त्वारिक के लेखक थे, जो त्वारिक लिखते थे वो कहाँ रहते थे, वो लेखक दिल्ली रहा करते थे, मेनली वो दिल्ली में रहते थे, हार्डली एवर इन विलेज। बड़ा मुश्किल है ये सोचना कि वो लोग कहीं गाँव वाँव में रहते हो, तो बेसिकली क्या हुआ कि वो शहर में रहते थे, गांव में बड़ा मुश्किल है ये हम लोगों को मानना कि भाई हार्डली वो कोई गांव में रहते होंगे। दे ऑफन रॉट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। तो देखो चाटुकारिता हो गई यहाँ पर, चापलूसी जिसे कह सकते हैं। सो दे ऑफन मतलब वो अक्सर, रॉट मतलब लिखते थे देयर हिस्ट्रीज अपनी इतिहास को, फॉर किसके लिए, सुल्तान्स के लिए, इन द होप ऑफ यानी इस आशा में, किस आशा में कि जब वो कुछ अच्छा अच्छा लिखेंगे राजा के बारे में तो राजा उन्हें क्या देगा, रिच रिवॉर्ड्स देगा, है ना, कुछ इनाम दे देगा। मान लो क्या हो सकता है, कुछ सोना चांदी का जेवर दे दे, हो सकता है कोई ज़मीन दे दे। तो इस तरीके से मतलब वो लोग जो त्वारिक लिखते थे वो थोड़ा इस तरीके के लालची भी होते थे ऐसे समझ लो, क्योंकि वो जो थे चमचागिरी में राजा के तारीफ़ें वारीफ़ें भी लिखते थे। द ऑथर्स एडवाइज्ड रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर। अब जो ऑथर्स होते थे, ठीक है, जो लिखते थे ये सब कुछ, एडवाइस करते थे राजा को किस बात की कि भाई नीड है कि राजा तुम्हें क्या करना है, प्रिजर्व करना है आइडियल सोशल ऑर्डर को। अब आइडियल सोशल क्या ऑर्डर क्या हो गया, बेस्ड किस पे था ये आइडियल सोशल ऑर्डर, ध्यान से समझना इस बात को, बर्थ राइट कि जन्म सिद्ध अधिकार एंड जनरल डिस्टिंक्शंस, जेंडर डिस्टिंक्शंस मतलब लिंग भेद पे तुम ध्यान रखना। अब मैं पूरी बात समझाती हूँ, ये बात क्या हुई, ये बात ये हुई कि वो राजा को ये समझाते थे कि भाई बर्थ राइट पे तुम कायम रहना, जैसे कि तुम्हारे शासन में ऐसे ही होना चाहिए, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही रहे, जो अमीर लोग हैं उन्हें अलग से गद्दी मिले, है ना, कि भाई जैसे तुम्हारा कोई दरबारी बड़ा है किसी अच्छी हाई पोस्ट पे तो उसके बेटे को ही भाई हाई पोस्ट मिलना चाहिए, इस तरह का जो बर्थ राइट वाली बात थी वो। और दूसरा जेंडर की बात अगर हम करें तो वो क्या समझाते थे राजा को कि भाई देखो औरतों के अधिकार इतने ही नहीं होते हैं, आदमियों के सारे ज़्यादा अधिकार होते हैं, औरतें ये नहीं करती हैं, आदमी ये करते हैं। तो इस तरीके से जेंडर भी उनके राजा के दिमाग में डाल दिया जाता था कि भाई औरतों को क्या करना है, आदमियों को क्या करना है। और दूसरी बात कि भाई अमीर का बच्चा अमीर, उनका मतलब एक तरीके से मानना यही था कि भाई कोई हाई पोस्ट पे तो उसके बच्चे को हाई पोस्ट दे दो, कोई जो है मान लो जमादार है तो इसके बच्चे को भी जमादार के काम पे लगा दो। तो कुछ इस तरीके के जो उनकी मेंटेलिटी थी, समझ गए पूरी बात। देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी, लेकिन जो इनके ये विचार थे इससे सारे लोग जो थे वो, शेयर्ड का मतलब यहाँ पर है कि सब लोग सहमत नहीं थे, सबको नहीं लगता था कि ये बिल्कुल जो है कोई सही बात है। ठीक है, बर्थ राइट के बारे में इन्होंने यहाँ पर दे भी रखा है, देखो ये सब पूछ लिया जाती है डेफिनेशन। तो बर्थ राइट यानी जन्म सिद्ध अधिकार। सो प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ, तो प्रिविलेजेस मतलब क्या होते हैं, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ मतलब जन्म के आधार पर किसी को विशेष अधिकार देना, जैसे पंडित जी हैं बड़े हाई पोस्ट पर बैठे हैं, वो मंदिर बहुत बड़ा है उसके पंडित जी हैं, अब उनके बेटे को भी उसी मंदिर का पंडित बना दिया गया। ठीक है, तो प्रिविलेज मिल गया उसको, विशेष अधिकार मिल गया किस पर, ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ कि भाई वो पंडित के यहाँ पैदा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पीपल बिलीव करते थे दैट जो नॉबल्स होते थे, नॉबल्स मतलब कुलीन व्यक्ति, हाई फाई मान लो उस समय के, इनहेरिटेड देयर राइट्स कि भाई उनको तो जन्म से ही राइट मिला हुआ है किस चीज़ का, टू गवर्न शासन करने का, बिकॉज दे वर बॉर्न इन अ सर्टेन फैमिली, कि वो किसी सर्टेन फैमिली में, किसी अच्छी नॉबल फैमिली में उनका जन्म हुआ है, तो भाई उनके बच्चों को भी मतलब यही अधिकार मिल जाता था। अब जेंडर डिस्टिंक्शन की बात करें तो सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मैन, यूजुअली दीज डिफरेंसेस आर यूज टू आर्ग्यू दैट मैन आर सुपीरियर टू वुमेन। अब स्त्रियों और पुरुषों के बीच ये सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी अर्थ था, मतलब अंतर कैसे था कि भी पहले सामाजिक समझते थे, तो समाज में माना जाता था कि लेडीज़ को पर्दे में रहना है, मुसलमानों में तो बहुत ज़्यादा होता था उस समय कि बिल्कुल पर्दे में रहना है, अंदर रहना है, बाहर कोई काम करने के लिए निकलना है, पुरुष आ गया तो उसके सामने नहीं आना है,
सामाजिक समझ के, और उसके ज़्यादा अधिकार भी नहीं होते थे, पति के ही पास ज़्यादा सारे जितने भी अधिकार होते थे उस समय समाज में उसी के पास होते थे। अब शारीरिक संबंधी अगर रचना संबंधी देखें तो औरतों को देखो युद्ध वुद्ध करने का भी कोई राइट वाइट तो था नहीं उस समय, उनके उनको माना जाता था ये कमज़ोर हैं एक तरीके से, ठीक है। अब इन सारी बातों से एक बात तो हमें समझ में आ गई कि उस समय में क्या होता था, पुरुषों को ना श्रेष्ठ माना जाता था, किसकी तुलना में, सुपीरियर माना जाता था वुमेन से, मतलब औरतों से पुरुषों को श्रेष्ठ माना जाता था, ठीक है, उस समय। आज सब बराबर है। इन 1236 की अगर हम बात करते हैं तो सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर जो थी, इल्तुतमिश की बेटी कौन थी, रज़िया, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, बिकेम सुल्तान। तो क्वेश्चन तो 99% आता है अगर ये चैप्टर आ रहा है कि भैया रज़िया सुल्तान जो थी वो कौन थी और किस सन की बात है ये जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। तो इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर रज़िया बिकेम सुल्तान। तो रज़िया सुल्तान कब बनी थी, क्वेश्चन आ जाएगा, 1236 में बनी थी, ठीक है। अब आ जाता है द क्रॉनिकल ऑफ एज, और ये क्या नाम था इनका, मिनहाज ए सिराज, ध्यान रखना इतिहासकार, ठीक है, क्रॉनिकल क्या होती है, इतिहासकार। तो इतिहासकार मिनहाज ए सिराज नाम याद रखना, रिकग्नाइज्ड, उन्होंने पाया, उन्होंने देखा, एक्चुअली उन्होंने महसूस भी किया दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। सो रज़िया सुल्तान के भाई भी थे। अब रज़िया सुल्तान के जो भी भाई थे तो इनको समझ में आया मिनहाज ए सिराज को कि भाई रज़िया जो है अपने भाइयों से तो काफ़ी ज़्यादा काबिल हैं, बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। लेकिन ये समझने के बावजूद भी कि भाई रज़िया में ज़्यादा काबिलियत है भाइयों से, वो इस बात में कंफर्टेबल ही नहीं थे कि एक लड़की को जो है वो क्वीन बना लिया जाए, वो हम पे रूल करे, मतलब उनको ऐसे समझ ही नहीं आ रहा था ये चीज़। तो कहते हैं ना डाइजेस्ट नहीं हो रही थी उस समय आदमियों को ये बात। नॉर वर द नॉबल्स हैप्पी एट हर अटैम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली, और जितने भी नॉबल्स थे दरबारी थे वो भी हैप्पी नहीं थे कि भाई रज़िया जो है अटैम्प्ट करे रूल करे इंडिपेंडेंटली एक तरीके से, ठीक है, तो वो उन्हें भी नहीं अच्छी लगती। तो क्या हुआ, अब ये बना तो दी गई थी सुल्तान, लेकिन शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240 दोनों ईयर, केवल 4 साल इन्हें शासन करने दिया समझ लो, 1236 में ये बनी और 1240 में इन्हें हटा भी दिया गया। मिनहाज ए सिराज ये मानता था, इतिहासकार था, कि ये ज़्यादा काबिल अपने भाइयों से, लेकिन फिर भी वो कम्फर्टेबल नहीं था ये कहना चाहिए, मैं मतलब उसको ऐसा लगता था कि नहीं 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 लेडी है ये, लेडी है, उसको ऐसी वाली फीलिंग थी, वो कंफर्टेबल नहीं था एक लेडी को कि वो उन पे राज कर सके, ठीक है। और जितने भी दरबार के लोग होते हैं, दरबारी जिनको बोलते हैं, नॉबल्स जो होते हैं वहाँ पे, वो भी जो होते हैं उनको भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी एक तरीके से ये बात कि भाई कोई लड़की इंडिपेंडेंटली आकर उन पर रूल कर दे। अब व्हेन मिनहाज ए सिराज थॉट अबाउट रज़िया, तो चलो व्हाट मिनहाज ए सिराज थॉट अबाउट रज़िया, तो मिनहाज ए सिराज ने लिखा भी है कि भाई वो उसे रज़िया के बारे में वो क्या सोचता, तो देख लेते हैं। मिनहाज ए सिराज थॉट, वो सोचता था दैट द क्वींस, यहाँ पर कुछ रूल, वेंट अगेंस्ट द आइडल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। उसको क्या लगता था कि जो रानी है एक तरीके से, ठीक है, मिनहाज ए सिराज का सोचना था, मैं पूरा पढ़ देती हूँ फिर तुम्हें समझा दूंगी। इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मैन, He therefore asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of man, how did she gain from all of her excellent qualities? अब देखो मिनहाज ए सिराज को ये लगता था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बना रखी है ना, बिल्कुल, मतलब जिसके अनुसार जो है स्त्रियाँ जो हैं वो पुरुषों के अधीन ही होनी चाहिए, रानी का शासन इस व्यवस्था के बिल्कुल विरुद्ध हो गया, बिल्कुल है ना अपोजिट हो गया उनके हिसाब से। उनको ऐसा लगता था कि भगवान जी जो थे ना उनके, उन्होंने पूरी सब आदर्श समाज बनाए हुए हैं जिसमें आदमी जो है वो सुपीरियर हैं और लेडी जो है वो उस तरीके से राज नहीं कर सकती। इसलिए वो पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में, खुदा की रचना के खाते में, रचना क्या है, जो खुदा ने लिखा एक तरीके से, खाता मतलब अकाउंट, खुदा के अकाउंट में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, किसका ब्यौरा, किसके बारे में, रज़िया के बारे में, अगर खुदा ने मतलब जेंट्स के कॉलम में खुद रज़िया का नाम नहीं लिखा एक तरीके से, रज़िया जो है वो जेंट्स के कॉलम में नहीं आती, इसलिए इतनी शानदार खूबियाँ होने पर भी आखिर उसे हासिल क्या हुआ, किसे, रज़िया को। बात समझ आ रही है, फिर से समझ लो कि उनको ये मानना था मिनहाज ए सिराज कि ईश्वर ने एक आदर्श समाज बनाया हुआ है, उसके समाज के अनुसार, ईश्वर के समाज के अनुसार, ठीक है, स्त्रियों को पुरुषों के अधीन ही होना था, रानी का शासन बिल्कुल इसके विरुद्ध था, तो विरुद्ध ही हो गया भाई, रानी तो भगवान के हिसाब से, उनको ऐसा लगता था कि भगवान के हिसाब से रानी शासन ही नहीं कर सकती। इसलिए बोलता है जब खुदा ने जो पूरा अकाउंट बनाया लेडीज एंड जेंट्स का, उसमें तो जो रज़िया हैं वो जेंट्स के कॉलम में नहीं आती हैं, तो अब आप लेडीज़ के कॉलम में हो, आप में कितनी भी खूबियाँ हैं
उससे आपको मिला क्या, एक्चुअली वो उनकी थिंकिंग थी। ऑन हर इंस्क्रिप्शंस, जब अगर हम बात करें इंस्क्रिप्शंस की एंड कॉइन्स की, तो रज़िया ने मेंशन किया था दैट शी वाज अ डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। उसने साफ लिखवा दिया था कि वो डॉटर किसकी है, अंकित करवाया था उसने बात की भाई वो लड़की है किसकी बेटी है, इल्तुतमिश की बेटी है। अब दिस वॉज एन कंट्रास्ट, ये एकदम विरोधी बात थी, किस बात के, टू द क्वीन ऑफ रुद्रमा देवी, एक रुद्रमा देवी थी जो थी वो, उनके बारे में मैं पहले पढ़ देती हूँ फिर आपको बताऊँगी। 1260 से 1289 तक इनका काम शासन काल रहा होगा ऑफ द, ये जो थी ये थी काकतई वंश की, ठीक है, काकतई डायनेस्टी, नाम ध्यान रखना, काकतई डायनेस्टी कहाँ की थी, वारंगल की, ये कहाँ पर है, पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश का है। अब वो कह रहे हैं कि रज़िया सुल्तान ने, सबसे पहले तो बात समझ लो कि जो इंस्क्रिप्शंस थी कॉइन्स थी उस पर लिखवा दिया था कि भाई वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। अब आधुनिक आंध्र प्रदेश में वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतई वंश का राज्य था, ठीक है, जो आधुनिक मतलब आज के टाइम में जो आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र है वहाँ पर क्या था, काकतई वंश का राजा था। अब उस वंश की रानी कौन थी, रुद्रमा देवी। उनका व्यवहार जो था रज़िया के बिल्कुल ही विपरीत था। कैसे, रुद्रमा देवी चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड प्रिटेंडेड शी वाज अ मैन। तो रुद्रमा देवी ने क्या किया, अपना नाम ही इंस्क्रिप्शंस में ऐसे लिखवाया जैसे लोगों को लगने लगा था जैसे वो कोई आदमी है, समझ रहे हो। तो अनदर क्वीन जो थी दीदा, उन्होंने रूल किया कश्मीर पर 980 से लेकर 1003 तक। हर टाइटल इज़ इंटरेस्टिंग, ये दीदा टाइटल जो था वो बड़ा ही ज़्यादा दिद्दा, बिल्कुल दीदा भी नहीं है दिद्दा है ये, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इट कम्स फ्रॉम द वर्ड दीदी, और दिद्दा कहाँ से आया, ये वर्ड दीदी से आया, और एल्डर सिस्टर जिसको बोल सकते हैं, एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट होता है, मतलब बड़ा ऐसा लग रहा है कि एक बड़े अफेक्शनेट बड़ी प्यार वाली टर्म है ये, गिवन किसको है, गिवन टू अ लव्ड रूलर, लोग उनको लग रहा है कि भाई रूलर जो है इनको बहुत प्यार करते होंगे इसीलिए इनको दिद्दा बोलते होंगे, मतलब दीदी वर्ड पहले दीदी यूज़ करते होंगे, दिद्दा बन गया उसका बाय हर सब्जेक्ट्स, यानी कि किसके द्वारा यूज़ किया गया वो वर्ड, उनकी प्रजा के द्वारा। पूरी बात पढ़ देती हूँ फिर समझ में अच्छे से आ जाएगी। अब यहाँ तुमने पढ़ ही लिया था कि भाई जो रज़िया थी उसने अपने सिक्कों पर ये लिखवा दिया था कि भाई वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। अब आधुनिक के आंध्र प्रदेश के जो वारंगल क्षेत्र हैं किसी समय उसमें काकतई वंश का राज्य था, उस वंश की रानी थी रुद्रमा देवी। उनका व्यवहार जो था वो रज़िया से बिल्कुल ही विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने इंस्क्रिप्शंस में अपना नाम ऐसे लिखवाया था जैसे कि वो कोई पुरुष हों, जिससे उनके पुरुष होने का भ्रम पैदा हो गया लोगों के अंदर। एक और महिला थी जो कश्मीर की रानी थी दिद्दा, जिन्होंने 980 से 1003 तक शासन किया होगा, और उनका नाम था दीदी, बड़ी बहन से निकला है, मतलब उनका नाम जो है ये दीदी यानी कि बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी से ये स्नेह भरा संबोधन दिया होगा, ठीक है। एक्सप्रेस महनाज सिराज आइडियाज़ इन योर ओन वर्ड्स, अब आपको मैं नाज़िर सिराज के जो आइडियाज़ हैं उनको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है। डू यू थिंक कि आपको भी लगता है रज़िया शेयर करती है दीज आइडियाज़, वाई, क्या रज़िया भी मतलब शेयर करती है, रज़िया के भी विचार यही थे, वाई डू यू थिंक, क्यों आप ऐसा सोचते हैं, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है फॉर अ वूमेन टू बी अ रूलर, भाई ये ऐसा क्यों सोचा था, आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था, ठीक है। आप आ जाओ, ये जो पेज है अब हम करेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज वीडियो हो जाएगा अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा लंबा, ठीक है। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों को वीडियो समझ आया अच्छे से, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक का पार्ट जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, एंड डू लाइक द वीडियो, थैंक यू एंड बाय बाय।